हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नैरोबी एंड आई एम गुड टू गो नाउ। मेरा सारा वो ट्रैवलिंग का सो कॉल्ड जेट लैग एंड यू नो सेटलमेंट, फिजिकल बॉडी एडजस्टमेंट, एवरीथिंग इज डन। आई एम फिट एंड फाइन, रेडी टू गो विद माय न्यू ईयर। और मुझे जो आज शेयर करना है दैट इज़ रिगार्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट एज इन एवरीबडी ऑन द यूट्यूब कमेंट्स, in my emails, on the Instagram messages, on the WhatsApp messages, एक ही question बार बार लोग पूछते हैं और वो ये होपोनोपोनो कब तक करनी है, ये affirmations कब तक करनी है, ये technique मुझे कब तक करनी है, कोई result नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ खराब होता जा रहा है, कितना time और करना है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग जॉब करते हैं वहाँ तो हमें एक फिक्स टाइम पता होता है कि भले मुझे एनवायरनमेंट नहीं पसंद या बॉस नहीं पसंद या कुलीग्स नहीं पसंद या वो काम ही नहीं पसंद, बट मुझे पता है कि मुझे किसी भी तरह 30 डेज तक इनका काम करके देना है, उसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा विच इज़ अ सैलरी। ये हमको पता होता है बिकॉज यहाँ पर टाइम फ्रेम ऑलरेडी है। जिन चीज़ों के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो दीज आर ऑन द स्पिरिचुअल ग्राउंड्स, जैसे शादी मैनिफेस्ट हो रही है या जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो या पैसे या कोई भी आपकी एक लाइफ जो स्मूथ चल रही है, बीच में किसी भी कारण किसी भी एक फेज में ब्रेक आ गया है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो ब्रेक या वो हर्डल या वो ब्लॉकेज हट जाए और मेरी लाइफ उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में स्मूथ हो जाए, राइट? सो मेरी जो सोच है और जो मैं मुझे ये लगता है वो यही है कि हम सृष्टि के नियम जहाँ तोड़ देते हैं वहाँ हमें उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं और उन्हीं को हम हर्डल्स कहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल, इमोशनल, साइको, स्पिरिचुअल, मनी मैटर्स, वॉट एवर। सो आप कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक करते हो, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर हमने विश्वास से एक सिस्टम को पकड़ा है, चाहे वो होपोनोपोनो हो या मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा सिस्टम समझ आ गया है हमसे कहाँ गलती हो रही है और हमें कहाँ अपने आप को वर्कआउट करना है, तो मैं एक ही चीज़ बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ रिजल्ट से डिटैच हो जाओ, रिजल्ट से डिटैच हो जाओ। जब हम जॉब कर रहे हैं तो हम अपनी जॉब को, अगर हम उस काम को इंजॉय करते हैं, उस काम को अपना 100% देते हैं, तो उसमें हमारे जॉब में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो कंपनी के सीनियर्स को सबको दिखता है कि ये लड़का या ये लड़की बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। दे शुड बी रिवॉर्डेड एक्स्ट्रा और दे शुड बी गिवन एक्स्ट्रा बोनस और दे आर यू नो दे डिज़र्व सम गिफ्ट। सो जैसे आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो आप तो अपना बस काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, डेडिकेटेडली कर रहे हो, समझ के कर रहे हो, अपना काम समझ के कर रहे हो और उसमें कोई भी यू नो नेगेटिव इनपुट्स नहीं दे रहे हो, यू आर गिविंग इट योर 100% हार्ट फेल्ट वर्क प्रॉपर दे रहे हो आप। एंड सीनियर मैनेजमेंट बैठी है जो देख रही होती है कि अरे भैया ही और शी इज डूइंग गुड, हमें इन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमको क्वाइटली अपना एफर्ट करते जाना है। सो डिटैचमेंट ये हो गई कि रिजल्ट क्या आएगा और कब आएगा, आई एम नॉट बॉदर्ड, अब मुझे पता है कि ये जो भी मैं रिचुअल कर रही हूँ ये मेरे हाईएस्ट और बेस्ट के लिए है और ये रिचुअल करने से मैं ऑटोमेटिक नेचर के अलाइन होती जाऊँगी, तो इससे रिजल्ट मिलना तो निश्चित है। अब वो जब मिले आई एम हैप्पी टू रिसीव, तो मैं मेरे को बस उस रिजल्ट को पाने के लिए जो भी ये रिचुअल जितनी बार भी मैंने सोचा है एक दिन में करना है मुझे वो करना है, उसके बाद मैंने उसके बारे में नहीं सोचना, लेट गो। मतलब जैसे ऑफिस के काम को हम एज अ ड्यूटी करते हैं कि मेरे 24 घंटे में से मैं 8 घंटे सो रही हूँ तो ऑफिस का नहीं सोच रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, फ्रेंड्स को मिल रही हूँ, फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ तो मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ जो 8 घंटे ऑफिस जाती हूँ वहीं पे ऑफिस के बारे में सोचती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट एंड लेट गो, कि मैं चिपक नहीं गई रिजल्ट के साथ, है ना। सो अपनी एज अ ड्यूटी आपकी लाइफ पे वो होपोनोपोनो प्रेयर हो गई या आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, विद फेथ उसे करते चलना है, बार बार नेगेटिव ये नहीं सोचना है कितना टाइम हो गया यार, कब तक करूँगी, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, सब आगे निकलते जा रहे हैं, मेरी लाइफ पीछे रह जाएगी, सब आगे निकल जाएंगे। हम ये सब सोच सोच के आपका जो भी ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हुआ था ना रिवॉर्ड मिलने का, जहाँ आप ये नेगेटिव सोचने लग जाओगे वो रिवॉर्ड वापस चले जाएगा। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है,
कि आई नो इट लुक्स लाइक अ अनएंडिंग टनल, कि मैं एक सुरंग में एक टनल में जा रही हूँ भैया, विश्वास करके चलती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता एंड में दरवाजा है कि नहीं है, लेकिन हम विश्वास करके चलते हैं क्योंकि हमें पता है पीछे वाले रास्ते से तो मैं आ ही रही हूँ, वो तो मैं देख के आ चुकी हूँ, वहां तो मुझे कुछ मिला नहीं, राइट लेफ्ट कुछ है नहीं, सीधे ही है जो है। अब सीधे में अगर टनल आ गई है तो टनल से ही, बट टनल अगर बनी है, इसका स्टार्टिंग एंट्रेंस बनी है, आई एम डैम श्योर एंड भी बना ही है और वो आने ही है। सो विद दैट फेथ हम टनल के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज वी नो समवेयर इन आवर माइंड कि बहुत लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का रास्ता यही टनल है। अगर यही टनल है और वो लोग पहुंचे हैं, इसका मतलब इस टनल का एंड है और वो रास्ता मुझे जल्दी ही मिल जाएगा, मैं बस चलती रहूं, रुकना नहीं है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, हम रोड पे जा रहे हैं और हमें कोई ऑटो रिक्शा या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट हम खड़े उसका वेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन वन ये है कि हम खड़े रह के वेट करते रहे, कब आएगा ऑटो, कब आएगा ऑटो, कब आएगा ऑटो। और ऑप्शन नंबर टू जो मैं बिलीव करती हूँ वो ये क्या होता है, जिस रास्ते पे जाना है ऑटो ने, मैं उस रास्ते पे पैदल चलना शुरू कर दूंगी कि आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम स्टेइंग देयर, वहाँ खड़े होकर टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ मैं। मैंने चलना शुरू कर दिया अपनी मंजिल की तरफ, जब कोई रास्ता में ऑटो या लिफ्ट या जो भी चीज़ कम्यूटिंग की आएगी, जब भी वो आएगी, देन आई कैन कैच इट एंड आई कैन गो फास्ट। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, एनर्जी का फ्लो रोकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी रोकनी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और इसी को ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ओनली एंड ओनली ट्रस्ट विल गिव यू रिजल्ट्स, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम उस सिचुएशन में रो रहे हैं, हमें दर्द हो रही है, परेशानी हो रही है, हमें नेगेटिव विचार आ रहे हैं, लोग हमें फालतू की बातें सुना रहे हैं, हम उनको दिल पे ले रहे हैं, ये सब चलता रहेगा, इट इज़ पार्ट ऑफ द सिचुएशन यू हैव क्रिएटेड, याद रखना दिस सिचुएशन यू हैव क्रिएटेड अननोइंगली, नाउ नोइंगली यू विल क्रिएट अ बेटर सिचुएशन। खुश रह के, ग्रेटफुल रह के, हिम्मत करके, विश्वास करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो हमें ये करना ही है क्योंकि हम बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो आप बैठ के रोते रहो, क्रिब करते रहो, अपनी कमियां गिनते रहो, दूसरों को ब्लेम करते रहो, अपने घर में सबको ब्लेम करते रहो, सिचुएशन को ब्लेम करते रहो, भगवान जी को ब्लेम करते रहो, मुझे ब्लेम करते रहो, वॉट एवर, यू कैन नेवर कम आउट ऑफ इट। सो ट्रस्ट, यस ये स्पिरिचुअल रास्ता है, परमात्मा का ही है, नेचर का नियम है, ग्रेविटी की तरह ये भी चल रहा है, बिना अच्छा फील किए मुझे अच्छा नहीं मिलने वाला, तो मैं जितनी मर्जी गंदी सिचुएशन में हूँ, मैं उसके अंदर से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालूंगी, और अगर मुझे उस सिचुएशन में से अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे लाइफ में पुराने बीते हुए अच्छे पॉइंट्स को याद करके ग्रेटफुल करना शुरू कर दूंगी और मुझे रिजल्ट्स निश्चित मिलेंगे। इस टनल के एंड में दरवाजा जरूर है, ट्रस्ट दैट एंड कीप मूविंग एंड कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड कीप डूइंग, रिजल्ट्स मैं गारंटी देती हूँ आएंगे ही आएंगे। ये गारंटी मेरी नहीं है, ये सृष्टि की गारंटी है, बिकॉज उसका नियम है, हम उस नियम पे फॉलो कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो प्लीज टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, रिलैक्स, पॉजिटिव, हैप्पी, रास्ता मिल रहा है क्योंकि मैं उस रास्ते की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया है। अगर मैं रुक जाऊंगी तो दरवाजा नहीं आने वाला, टनल का एंड नहीं आएगा। वहां रुक के सोचते रहो, टनल के अंदर बैठ के सोचते रहो, यार रास्ता नहीं मिला तो, बंद हुआ तो, नहीं मिला तो, अरे आपको तो पता है ना, एक जिस रास्ते से आप आ रहे हो वहां तो कुछ नहीं था और आगे जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर आगे बढ़ चलो, जो होगा देखा जाएगा, ये सोचो जो होगा देखा जाएगा और आगे निकल जाओ, रास्ता पक्का मिलेगा, सोल्यूशन पक्का मिलेगा, आई कैन गारंटी यू। इस फेज से मैं भी निकली हूँ, मुझे भी टनल में अंधेरा दिखता था, लेकिन डोर की तरफ मैं चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, विश्वास से चलती रही। डर के चलोगे दरवाजा और दूर हो जाएगा, विश्वास बिना किए डाउट में चलोगे दरवाजा और दूर हो जाएगा, आप और पेशेंस लूज करोगे, बिकॉज आप डर रहे हो तो डरने की सिचुएशन और क्रिएट, आप जितना ट्रस्ट करके चलोगे उतना दरवाजा पास आता जाएगा, मेरी गारंटी है। सो प्लीज ट्रस्ट, रिलैक्स, बी हैप्पी एंड कीप मूविंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग।
इसका फल, इसका हैप्पीनेस, इसके फ्रूट्स, इसके फ्लावर्स, इसकी गुड फीलिंग, अच्छी चीज़ें सारी आपके पास आएंगी, बिकॉज वी ऑल डिजर्व हैप्पीनेस, वी ऑल डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, सो ट्रस्ट रखना, नहीं भूलना, रिलैक्स रहना और हिम्मत रखना। आई एम देयर विद यू ऑल। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, फेसबुक पे, इस पे, जहाँ मर्जी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं अकेला किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके साथ रहने वाली हूँ, इसलिए रिप्लाई मी, मैसेज मी, आई विल रिप्लाई। और घबराना नहीं, हैव फेथ, ट्रस्ट एंड कीप गोइंग। आई लव यू ऑल, बाय।